नमस्कार किसान भाइयों, ये देखो आज मैं रजनी भाई का फोन आया था कि रजनी भाई का ट्रैक्टर फार्म से 45 फट चुका है, तो मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। तो ये देखो हमारा ट्रैक्टर, और अभी अभी रजनी भाई का फोन आया है कि भाई उनका ट्रैक्टर फार्म से 45 कहीं पर फंस चुका है, तो मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। देखो, और यहाँ पर देखो नीचे रास्ता है लेकिन पानी भरा हुआ है। अभी देखो ज़्यादा बारिश आने की वजह से तो अभी ऊपर चल रहे हैं। देखो तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना, देखते हैं कि रजनी भाई का ट्रैक्टर कहाँ पर फंसा है और किस तरह निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो गाइस देखो रजनी भाई का ट्रैक्टर यहाँ पे पड़ा है और इस तरफ फंस चुका है। यहाँ पे देखो रास्ता था जाने का, लेकिन यहाँ पे गड्ढा बना हुआ था, लेकिन रजनी भाई को गड्ढा नज़र नहीं आया, या फिर कल्टी है वो रास्ते में यहाँ पर फंस चुकी है। देखो यहाँ पे अड़ चुकी है कल्टी, तो टायर जो स्लिप मार रहे हैं। तो अभी देखेंगे, ट्रैक्टर को निकालेंगे। और यहाँ पर देखो ये किसान भाई, ये खेत वाले जिन्होंने यहाँ पर गड्ढा किया था, तो ट्रैक्टर यहाँ पर फंस चुका है। देखो, और यहाँ पर रजनी भाई हमारे ट्रैक्टर को और बारिश होने से जो चैन से बांध रहे हैं। देखो, और ये हमारी पिन लगाई हुई है यहाँ पर। ओमा गाल जी ले ओमा अब वर्मा दो ले वो मोटी मारी वो बार पड़ा हुआ है। बार बार बोल फराई देगा मेरे। तो गाइस देखो वहाँ पर रास्ता था, वहाँ से ट्रैक्टर आया था और यहाँ पर बीच में पानी भरा हुआ है और यहाँ से खेत में आगे जाना था, तो बीच में ही रजनी भाई का ट्रैक्टर फंस चुका है। तो अभी इसको चालू करेंगे और देखेंगे, ट्रैक्टर को निकालेंगे।